हेलो, गुड इवनिंग गाइस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद सदा पे। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड 8 क्लास हिंदी का क्वेश्चन पेपर 2022 का। ठीक है, तो चलिएगा हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर है वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्ज़ाम का पेपर है ये 2022 का। ठीक है, इन पेपरों पर प्रिंट नहीं आता डेट का। 2022 का पेपर है ये, हिंदी का पेपर है। ठीक है, 8 क्लास का यूपी बोर्ड का पेपर का पूर्णांक है आपका 100 नंबर का, और आपका पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश का अर्थ संदर्भ सहित लिखिए। ठीक है, ये जो गद्यांश है आपको इसका अर्थ लिखना है संदर्भ सहित। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के जिस भी चैप्टर से लिया गया है तो उसका नाम लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद में लेखक, और आपको इस टाइप से लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के नामक पाठ से ली गई है और इसके रचयिता जो भी हैं उसका नाम लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद में अगर आपसे के नहीं आता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए। ठीक है, सॉरी, मुझे लगता है कि दोनों आपको हल करने हैं। ठीक है, ये भी और ये भी इसमें लिखा नहीं है। उसके बाद में यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट है। लेखक ने बीरों को देवदार के वृक्षों के समान क्यों कहा है? डॉक्टर चंद्रा की कविताएं देखकर लेखक की आंखों में आंसू क्यों आ गए? गृह स्वामी को अंत में जूलिया पर गुस्सा क्यों आया? ठीक है, और जी यहाँ पे है आपका तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, जो अपने मन को एकाग्र रखता हो वह स्थान जहाँ सब जलाए जाते हों जिसका स्वर्गवास हो गया हो। ठीक है, प्रत्येक युग्म के किन्हीं दो शब्द युग्मों के प्रत्येक का अर्थ लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे इनका अर्थ लिख दें, यहाँ पे इनकी संधि है, और ये जो है नीचे मुहावरे हैं। ठीक है, तीन क्वेश्चन हो गए आपके। यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदों में से किन्हीं दो का विग्रह कर समास भी लिखिए। ठीक है, समास विग्रह करना है और समास का आपको नाम लिख देना है। ठीक है, इसके बाद में आपके पर्यायवाची हैं, और यहाँ पर देखिएगा किन्हीं दो शब्दों को अपने वाक्य में यूज कीजिए, तो इस टाइप से है यहाँ पे आपका। ठीक है, ये आपका सातवां क्वेश्चन है, निम्न अवतरण का हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, इसका हिंदी में आपको ट्रांसलेट करना है। अपने आगरा में ताजमहल देखा। ठीक है, आपने आगरा में ताजमहल देखा अतः अपने छोटे भाई को पत्र लिखकर उसको उसकी जानकारी से अवगत कराइए। ठीक है, पाँच नंबर का है ये। उसके बाद में है आपका, निम्न में से किसी एक विषय पर लगभग दो पृष्ठों का एक निबंध लिखिए, तो यहाँ आपको कर देना है। तो गाइज़, बस इतना ही था वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी।